कल हम लोग थे डेट ऑफ फाइनल पर, ठीक है। तो दोनों प्रोग्राम हो गए थे क्या आप लोगों के? हाँ रिस्पोंड करो, आपके प्रोग्राम्स हो गए थे? काउंट द नंबर ऑफ लाइंस स्टार्टिंग विद ए पर्टिकुलर वर्ड आप लोग को जो दिया था। हाँ तो कैसे करेंगे उसके लिए? पर्टिकुलर वर्ड से स्टार्ट करना है, ओके। सो इन दिस केस अब हमें करना क्या है, सपोज यही प्रोग्राम हमें स्टार्ट करना है नाउ, ओके। काउंट द नंबर ऑफ लाइन स्टार्टिंग विथ ए पर्टिकुलर वर्ड। सो इन दिस केस हमने क्या किया, फाइल को रीड किया, ओके। फाइल रीड किया, सो डेटा इक्वल टू वन, वाई डेटा इक्वल टू वन, ओके। डेटा हमने वन रखा, काउंट जीरो। सो नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने फर्स्ट लेटर चेक किया था, ठीक है, डेटा का फर्स्ट लेटर चेक किया था, बट नाउ अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वर्ड चेक करना है। सो द लाइन कंटेन द वर्ड्स एंड द वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय स्पेस, है ना। सो अब हमें क्या करना है कि जो पर्टिकुलर स्पेसेस हैं वहां से मुझे वर्ड निकालना है। सो देयर इज ए सिंपल मेथड, व्हाट इज द मेथड, दैट वी मेक वन लिस्ट दैट आई एल इक्वल टू नाउ डेटा डॉट वी यूज स्प्लिट। स्प्लिट हमने देखा है, ठीक है। सो नॉर्मली स्प्लिट क्या करेगा विदाउट इसके, सो द स्प्लिट विल स्प्लिट इट। किस में स्प्लिट करेगा, कहां से स्प्लिट करेगा, जहां भी उसको स्पेस दिखेगा वहां से वो क्या कर देगा, उसको स्प्लिट कर देगा। नाउ सपोज इफ यू प्रिंट एल, ओके। सो अब ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, किस केस में, लास्ट के केस में, इसलिए हम लोग इसको कहां पर रखेंगे, अंदर रखेंगे, ओके। सो नाउ यू यूज स्प्लिट नाउ विथ प्रिंट एल, ठीक है। इसको हम लोग रन करके देखते हैं। सो देखो क्या मिला, सो व्हेन वी यूज स्प्लिट इसने क्या किया, लिस्ट बना दिया, ओके। बिकॉज फाइल में एक सिंगल सिंगल वर्ड थे इसीलिए उसने क्या कर दिया, लिस्ट बनाया, लेकिन लिस्ट ऑफ द सिंगल वर्ड्स ओनली। सो सपोज इस माई फाइल में हम लोग थोड़ा सा चेंज करें यहां पर, ओके। तो माई फाइल हमने ओपन किया, वी ओपन द माई फाइल। सुमित क्या इश्यू है, माई फाइल वेयर इट इज दिस वन, ओके। सो इफ यू चेंज, ओके, जस्ट लाइक दिस, ओके। इफ यू मेक सम डिफरेंट वर्ड्स, ओके। सो नाउ वी मेक वन लाइन्स, डिफरेंट लाइन्स, ओके। नाउ वी सेव इट, सेव, देन वी क्लोज इट, ओके। इसको हम क्या, इसको हम लोग हाइड नहीं कर सकते, कैन वी यूज दिस स्क्रीन डाउन, यस इट विल बी बेटर एक्चुअली नाउ। सो नाउ इफ यू रन दिस, फाइल ही हो गया, नाउ वी क्लोज इट, ओके। सो नाउ ओके वी रन इट, सो नाउ वी गेट, व्हाट डू वी गेट, वी गेट अ लिस्ट ऑफ लाइंस, कितने लिस्ट है, फाइव लिस्ट है सेपरेटली। सो इन ईच लिस्ट, इन ईच लिस्ट सपोज इफ यू यूज एल जीरो, ओके, व्हाट वी यूज एल जीरो। सो एल जीरो से मुझे क्या मिलेगा, वी गेट द फर्स्ट वर्ड, ओके। सो नाउ इफ यू यूज दिस वन देन वी गेट द फर्स्ट वर्ड। सो नाउ सपोज आई वॉन्ट टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स विच आर स्टार्टिंग विथ ए पर्टिकुलर वर्ड। सो इन दिस केस अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ द प्रिंट वी जस्ट कंपेयर इट, इफ एल जीरो इक्वल टू वॉट, जो भी आपको चेक करना है, ठीक है। सपोज ये मेरा वर्ड है, देन
If it is equal, then we use count equal to plus 1. Okay, the last out of the while loop, we will print. What do you print? That number of lines starting with equal to what count. Okay, so the number of lines is 1. Clear hai? हमने क्या किया इन द प्रीवियस प्रोग्राम हम लोगों ने चेक किया था नंबर ऑफ लाइंस स्टार्टिंग विद ए पर्टिकुलर कैरेक्टर ठीक है नंबर ऑफ लाइंस स्टार्टिंग विद विद ए पर्टिकुलर कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर था एच ठीक है सो हमें एक इंडिविजुअल फर्स्ट कैरेक्टर चेक करना था नाउ देयर इज नो नीड टू स्प्लिट क्योंकि हमें वर्ड नहीं चाहिए था ओके सो हमने क्या किया डायरेक्टली यहां पर चेक कर लिया ओके सो नाउ इन दिस केस अब हमने क्या किया वर्ड चाहिए था सो वर्ड के लिए हमने क्या किया वी रीड वन लाइन द लाइन कंटेन मेनी वर्ड्स ठीक है अब हमने क्या किया यहां पर लाइन रीड हो गया फिर इस लाइन को हमने स्प्लिट कर लिया बाय डिफॉल्ट इट इज स्प्लिट फ्रॉम द स्पेसेस ठीक है कहां से स्प्लिट करता है जहां भी उसको स्पेस मिलेगा वहां से वो इसको स्प्लिट कर देगा एंड इट मेक वन लिस्ट From the list, we find out L0. So L0 will be one word, not first character. ठीक है? यहाँ पर क्या होगा? इसका first word होगा. So इस word को हमने compare कर लिया कि जो हमें चाहिए था वो starting में है क्या? ठीक है? Then now it will be count plus plus. Then in the last in the loop, हमने इसको finally print कर दिया. ठीक है? इसमें issue है कुछ? So ये हमारा प्रोग्राम था कल वाला फिर द नेक्स्ट प्रोग्राम था प्रोग्राम टू कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर फाइल ये तो सिंपल हो गया था सिंपल यूज नाउ इसके बाद क्या था प्रोग्राम टू कॉपी कंटेंट ऑफ द फाइल टू अनदर फाइल लाइन बाय लाइन अलोंग विद द लाइन नंबर अलोंग विद द लाइन नंबर सो द सेम प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर लेते हैं ठीक है सो सपोज मुझे F से F1 पर कॉपी करना है मतलब माय फाइल से माय फाइल 2 में कॉपी करना है अलोंग विद द लाइन नंबर लाइन नंबर का क्या मतलब है कि सपोज माय फाइल यदि हम लोग इसको ओपन करेंगे माय फाइल आपने देखा ओपन माय फाइल ओके सो अब इन द सेकेंड फाइल मुझे यहां पर क्या चाहिए लाइन नंबर चाहिए 1.2. ये किस में चाहिए इन माय फाइल 2 में चाहिए ठीक है अभी इस फाइल में क्या है लाइन नंबर नहीं है ओके सो इन द नेक्स्ट फाइल आई वांट टू ऐड वन एक्स्ट्रा थिंग दैट इज अ लाइन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड देन द पर्टिकुलर फाइल कंटेन सेकेंड फाइल कंटेन उसमें 1. देन फर्स्ट लाइन सेकेंड डॉट देन लाइन ओके सो ये भी हम लोग कैसे करेंगे सिंपल कैसे करना है नॉर्मली हमें क्या करना है रीड लाइन करना है ओके विल रीड सेम थिंग जैसे हमने किया था अलोंग विद द लाइन नंबर सो नाउ स्टार्टिंग में ओके हमें पता है कि लाइन नंबर क्या है 1 ओके सो इन द फर्स्ट हमने क्या किया ln इक्वल टू 1 लाइन आपका 1 है ओके नाउ वी यूज डेटा इक्वल टू ब्लैंक समथिंग कुछ भी यूज कर लिया सो नाउ बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज द लूप ओके यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताता हूँ ठीक है एक दूसरा लूप है फॉर लूप जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं ओके सो लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जैसे ये भी है इज ए काइंड ऑफ लूप जिसको हम लोग लाइन बाय लाइन रीड करें तो देयर इज अ वन मोर लूप फॉर लूप जिसमें ऑटोमेटिकली आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं होती सो वी सिंपल यूज फॉर आई एल एन इन इन वॉट एफ हम रीड कहां से कर रहे हैं इस फर्स्ट फाइल से रीड कर रहे हैं सो नाउ जैसे ही हमने ये ओपन किया इट विल रीड लाइन बाय लाइन ऑटोमेटिकली आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है ओके सो नाउ सिंपल अब हमें राइट करना है सो विल राइट f1.write व्हाट विल राइट द लाइन नंबर सो लाइन नंबर वी कैन यूज यहां पर ln इक्वल टू 1 ओके नाउ f1.write
ln, then आपको डॉट लगाना था, डॉट लगा दिया, देन थोड़ा सा स्पेस दिया, देन वी यूज व्हाट वी यूज ln. ln हमने यहाँ भी यूज किया, ln यहाँ भी यूज किया, यहाँ l यूज कर लेते हैं. ओके सो l एंड देन ln. ओके सिंपल. सो नाउ इट विल नॉट एड द स्लैश n ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएगा. ठीक है. नाउ ये किसके अंदर राइट हो रहा है? F1 के अंदर राइट हो रहा है. देखो इसका मतलब समझो, ये लूप ऑटोमेटिकली लाइन बाय लाइन रीड करता है. व्हेन वी यूज द फॉर लूप इट विल ऑटोमेटिकली रीड द फाइल लाइन बाय लाइन. और लाइन का मतलब क्या है कि लाइन कहां पर टर्मिनेट होगी? नॉर्मली इन इंग्लिश वर्ड वी टर्मिनेट बाय द डॉट, बट इन पाइथन द लाइन इज टर्मिनेटेड बाय स्लैश एन. स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन. ठीक है. सो नाउ इसको हम लोग अब चेक करते हैं माई फाइल टू का कंटेंट क्या है. सिंपल, हमने इसको रन किया, एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट. ओके सो इफ टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट देन यू मेक वन स्ट्रिंग. स्ट्रिंग इक्वल टू व्हाट विल एट एल प्लस यू मेक डॉट स्पेस देन प्लस देन एल एन. ओके then we write st. okay that's an integer. so unsupported operation plus integer to str. so we just use str. okay so numbers are numbers ko humne kya kiya, string mein convert kiya. simple. str object is not callable. क्या था इसके लिए string? how we can convert integer to string? str के थ्रू हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. Convert integer to string in Python. Okay. Now you see how to convert. Convert. str 1 2 3 करेक्ट है, वही हम लोग यूज कर रहे हैं, बट नॉट एक्सेप्टिंग str नंबर 1 2 3 स्ट्रिंग टाइप नंबर 1 2 3 str इट इज अ वीक 33 है, इट इज एक्सेप्टिंग. नाउ फिर अब यहां क्यों नहीं ले रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में क्या हुआ इसको? ओके सो L equal to 1. Okay. Suppose maybe key plus string. देखते हैं क्या कहते हैं. STR object is not callable. STR object is not callable. क्योंकि मेथड तो यही है सिंपल, रिपोर्ट str नेम इज str. ओके सपोज यूज स्पेस देन str. What is the issue? Okay.
को उठा के सिंपल चेक करते हैं, स्टिक इक्वल टू लाइन प्लस str, ओके प्रिंट स्टिक, प्रिंट स्टिक. सो नाउ लाइन प्लस str, str इज नॉट कॉलेबल. वन मिनट तो क्या सॉल्यूशन है पता नहीं, हम लोग कुछ रॉन्ग कर रहे थे, मैं भी रॉन्ग क्या कर रहे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी क्लियर नहीं है. रॉन्ग कैसे है भाई, इफ यू यूज पी इक्वल टू 23, नाउ कैन वी यूज पी, नाउ कैन वी रन इट, एस टी आर ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, वाइट सर्वर इज कमिंग टाइप है. What we can use p.str. Okay. No. Name. No, that's the thing. Int object has no attribute str. str10 int 10. str function basically calls str qa dot underscore str. पता नहीं, आप लोग अपने सिस्टम में इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, देखते हैं ये कैनॉट होगा कि नहीं. नाउ is not defined, we use p. Okay, हाँ start हो गया. So method वही है, पता नहीं ये set accept नहीं कर रहा है, so we'll use some another thing. ठीक है, set हम लोग python में main python में run करेंगे, then it will run maybe. Okay, पूरा program complete होने के बाद हम लोग try करते हैं. So now we use l equal to 1, then what we use data equal to something like this. Now while, so, मैं for loop से आपको बता रहा था, ठीक है, for i in what f, so i क्या है, i contains one line actually, ठीक है, so जैसे हमने f किया, f क्या है, आपका file object है, जैसे f किया तो i के अंदर क्या होगा, so it will return the one list, और ये list से 1111 item उठाएगा, और list के पास क्या है, lines है, okay, so now if you write, सो नाउ वी मेक इट, ठीक है, एस टी. सो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टार्टिंग में लाइन नंबर चाहिए, सो नाउ वी स्टार्ट लाइन नंबर, ये आपका लाइन नंबर हो गया. सो लाइन नंबर किसके पास है, एल के पास, ओके, जिसने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, देन प्लस हमने क्या यूज किया, डॉट, ओके, देन प्लस मुझे क्या चाहिए था, आई, ओके, नाउ आई राइट एफ वन डॉट राइट, ओके, व्हाट वी राइट, वी राइट
Let's see. ओके फिनिश्ड. नाउ अब मुझे देखना है माई फाइल टू. ओके तो माई फाइल टू का कंटेंट हम लोग चेक करेंगे. ओपन माई फाइल टू. कुछ भी नहीं भाई, हमने इसको क्लोज नहीं किया इसलिए है. माई फाइल टू f1.write.st. ओके राइट है, ये करेक्ट है. नाउ f1.close. ओके f1.close. f.close. ओके नाउ विल सी ओपन माई फाइल टू. ओके नाउ ओके 1111 आ रहा है. वाई 111 बिकॉज हमने एल को प्लस प्लस नहीं किया यहाँ पर. जैसे लाइन कंप्लीट हो गया नाउ वी यूज एल इक्वल टू एल प्लस वन. ओके इसको आगे भी बढ़ाना है, लाइन नंबर टू भी करना है. नाउ इट विल राइट पुरानी फाइल है, लीव माई फाइल टू दिस वन. ओके रिफ्रेश करेंगे तो 1 2 3 4. ठीक है सो अलॉन्ग विद द लाइन नंबर, ये आपके लाइन नंबर हैं. ओके लाइन नंबर के साथ क्या आ रहा है, आपकी लाइन आ रही है. तो ध्यान रखना है व्हेन वी यूज समथिंग लाइन से रिलेटेड आपको कुछ फंक्शन परफॉर्म करना है देन यू कैन यूज डायरेक्ट फंक्शन. ये फंक्शन आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. सो आई के पास क्या होगा, लाइन होगी. ठीक है आई के पास क्या होगा, लाइन होगी. सो क्लियर है. सो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे. काउंट नंबर ऑफ लाइन्स हो गया था हमारा. कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर फाइल स्टार्टिंग फाइल. ठीक है सो ये क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वेश्चन हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग. ओके नेक्स्ट थिंग क्या है कि हाँ अभी हम लोग को क्या देखना है. नेक्स्ट एक होता है राइट और एक होता है राइट लाइन्स. देर आर टू फंक्शंस. राइट के लिए क्या होता है, सो राइट एंड राइट लाइन्स. सो राइट फंक्शन क्या करता है, नाउ राइटिंग टू ए फाइल. ओके सो देर आर टू मेथड्स. वन क्या है, राइट राइट्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं राइट. ओके हम लोग अभी तक राइट ही यूज कर रहे हैं, ऊपर भी देखो हमने राइट यूज किया था. सो राइट्स राइट्स ए स्ट्रिंग टू ए फाइल. ठीक है सेकेंड एक और फंक्शन होता है राइट लाइन्स. ओके ये क्या करता है, इट राइट्स ए लिस्ट ऑफ लाइन्स, ए लिस्ट ऑफ लाइन्स टू ए फाइल. ओके लिस्ट ऑफ लाइन्स का क्या मतलब है कि सपोज आपको 20 नेम्स फाइल में राइट करना है. ओके सो नाउ यू कैन यूज राइट 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 20 टाइम्स और वी कैन यूज द राइट लाइन्स. ठीक है राइट लाइन्स हम लोग कैसे यूज करेंगे, जैसे सपोज आपने यूज किया वन लिस्ट. ओके नाउ वन लिस्ट में हमने यूज कर लिया सपोज हेमंत देन स्लैश. ओके वन लाइन हो गई. सेकेंड लाइन क्या हो गई, सपोज संतोष. ओके देन स्लैश एन, दैट्स द सेकेंड लाइन. सो द लिस्ट 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 को राइट करता है, सिंपल सी बात है. आप किस में राइट करेगा, डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स में राइट कर देगा. ठीक है जैसे अशोक, इसमें मैं स्लैश एन यूज नहीं करता, देखेंगे हम लोग क्या होगा. ठीक है तुषार एनी डाउट. नाउ अब इसको मुझे राइट करना है किसी फाइल में. ठीक है सपोज द फाइल इज माई फाइल टू, हमने इस फाइल को ओपन किया. ओके नाउ आई राइट f1.write lines. क्या लिखा मैंने, मल्टीपल लाइन्स को एक साथ राइट करना है. आई सप्लाई एल. ओके नाउ f1.close. ओके नाउ अब मुझे देखना है माई फाइल टू का कंटेंट क्या है. ठीक है सो माई फाइल टू, ये आपका माई फाइल, देखो यहां पर क्या हुआ. ठीक है अशोक सुरेश को उसने क्या किया, इट कंसिडर एज ए सिंगल लाइन नॉट द मल्टीपल लाइन बिकॉज स्लैश एन नहीं है.
So if you will not put this lesson in a list, it will add into a single line. ठीक है, सो यहाँ पर स्लैशन नहीं था. सपोज इफ यू पुट द स्लैशन, ओके क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? सेपरेट हो जाएंगे. शुड बी मेक ए सेपरेट लाइन. ठीक है, सो ध्यान रखना है. सो देर आर टू फंक्शंस, राइट एंड राइट लाइंस. राइट लाइंस में आप लिस्ट को राइट कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्लैशन. ठीक है, तो सपोज यदि सपोज आपको क्या करना है, इस टाइप का कुछ करना है कि राइट ए फाइल टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स विच कंटेन्स रोल नंबर नेम, ठीक है, एड्रेस फोन नंबर. ओके, सो नाउ सपोज आपको क्या करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है 10 स्टूडेंट्स का. और रिकॉर्ड के पास क्या है, आपको क्या क्या रखना है, रोल नंबर रखना है, उसका नेम रखना है, एड्रेस रखना है एंड फोन नंबर रखना है. नाउ हाउ वी विल प्रोसीड. ठीक है, सो हम लोग कैसे करेंगे. नाउ सपोज हमने रखा कि रोल नंबर क्या है, रिकॉर्ड आपका कैसे होगा, इस टाइप से होगा, रोल नंबर इज 101 सपोज. ओके, नेम सपोज हो गया हेमंत, देन नेक्स्ट नेम हुआ, ठीक है, एड्रेस हो गया सपोज लोनावाला. ओके, देन फोन नंबर कुछ भी. ओके, ये रिकॉर्ड हो गया वन रिकॉर्ड. सेकेंड रिकॉर्ड अगेन 102. ओके, नेक्स्ट इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, विल मेंटेन द रिकॉर्ड. सो अब हम लोग क्या करें, टू राइट ऑल द थिंग्स. ठीक है, हम क्या करें, वी एड वी मेक वन लिस्ट एक्चुअली. सो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कैसे रन करेंगे. सो सबसे पहले हमने किया दैट रिकॉर्ड हम लोग इनपुट ले लें इसमें लिस्ट में. सो नाउ वी मेक वन लिस्ट, लिस्ट इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट. ओके, सो फॉर आई इन रेंज व्हाट 10. ठीक है, मैं 10 नहीं लेता हूँ, सिंपल ओनली 2 ले लेता हूँ. ओके, बाकी हम लोग इसको ऐड कर लेंगे. सो नाउ अब हम लोग इसको इनपुट ले लें, क्या क्या इनपुट लेना है, रोल नंबर इनपुट लेना है. सो नाउ आर एन नंबर हमने इनपुट लिया. सो नाउ एंड इनपुट इंटर रोल नंबर. ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी विल ऐड, नेम. ठीक है, नाउ नेम इक्वल टू इनपुट इंटर नेम. ओके, नाउ इट विल ऐड नेम, देन एड्रेस. ठीक है, सेम एड्रेस एड्रेस. ठीक है, इंटर एड्रेस, देन व्हाट, फोन नंबर. ओके, फोन नंबर भी हम लोग कैसे ले लेते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं, नो इश्यू. सो नाउ इंटर पीएच नंबर. ओके, नाउ अब हम क्या करें, विल मेक वन लिस्ट एक्चुअली. ठीक है, अब लिस्ट बनाने के लिए अब सारी चीजें वही है, हमें क्या करना है, इसको एक स्ट्रिंग बना दें. स्ट्रिंग इक्वल टू जैसे हमने ऊपर किया था, क्योंकि हमें क्या करना है, फाइल में राइट करना है एंड देन विल मेक वन लिस्ट. ओके, अब इसको एक लाइन बनानी है. सो लाइन बनाने के लिए अब हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को ज्वाइन करनी होगी जैसे हमने पहले किया था. ठीक है, सो नाउ ज्वाइन के लिए अभी हमने एक फंक्शन यूज किया था, दिस वन. ओके, ये हमें यूज करना है किसके लिए, रोल नंबर के लिए. सो आर एन स्टीयर प्लस व्हाट विल ऐड, कॉमा. क्योंकि अब मुझे क्या चाहिए, ये तो आपका रोल नंबर हो गया, कॉमा चाहिए. सो कॉमा के लिए हमने क्या किया, कॉमा डाल दिया. नाउ प्लस व्हाट, एनएम. ओके, सो एनएम आपके पास है, अगेन प्लस, फिर से आपने क्या डाला, कॉमा. ओके, प्लस एडी प्लस. ओके, कॉमा, देन प्लस. ओके, देन क्या है, अगेन हमने यूज किया प्लस. ओके, नाउ वी ऐड व्हाट, पी नंबर. अब हमें क्या करना है, लाइन बनानी. सो टू मेक अ लाइन हमें क्या चाहिए, स्लैशन.
ओके स्लैशिंग किया, नाउ एल डॉट अपेंड, हमारे पास क्या है दीजिए मेथड लिस्ट के पास कि वो क्या करेगा अपेंड करेगा, अपेंड किससे क्या होगा इट विल ऐड द न्यू थिंग्स, ठीक है। सो अब हम लोग इसको देख लेते हैं, प्रिंट एल, ओके सो नाउ इंटर रोल नंबर 101, ओके नेम हेमंत, ओके लोनावाला, ओके फोन नंबर, सो नाउ क्या हुआ स्टेयर ऑब्जेक्ट है नाउ एक्टिवेट अपेंड, ओके सॉरी इट्स एक्चुअली एम्प्टी लिस्ट, ओके लिस्ट बनानी थी हमने, हमने इसको स्ट्रिंग बना दिया 01, ठीक है एड्रेस फोन नंबर, ओके अगेन रोल नंबर 102, ओके नेम एड्रेस देन फोन नंबर, ओके नाउ देखो हमारे पास लिस्ट बन गई, सिंपल हमने क्या बनाया लिस्ट बनाया, ओके नाउ लिस्ट बना के अब मुझे क्या करना है इस लिस्ट को राइट कर देना है। सो राइट करने के लिए द सेम थिंग आपने क्या किया इसको ओपन किया, ओके ये तीन स्टेटमेंट्स, ओके सो इसके बाद में आपने क्या कर दिया यहाँ पर इस लूप के बाहर सारे रिकॉर्ड्स आपने लिस्ट में ले लिए, सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास आ गए, अब इस राइट रिकॉर्ड्स को हमें क्या करना है फाइल में राइट करना है सिंपल, ओके सो हमने इस एल को क्या कर दिया राइट लाइंस के थ्रू राइट कर दिया, ओके नंबर 102 नेम, ओके एड्रेस देन फोन नंबर 103 देन नेम कुछ भी एड्रेस, ओके फोन नंबर, ओके नाउ विल चेक द कंटेंट ऑफ माई फाइल टू, ओके माई फाइल टू ऑलरेडी ओपन है, सो इसको जो रिफ्रेश किया सो हमारे पास क्या आ गए टू लाइन्स आ गए, ओके सो रिकॉर्ड्स आपके स्टोर हो गए, आपका फर्स्ट डेटा क्या आ गया रोल नंबर नेक्स्ट नेम देन एड्रेस देन फोन नंबर, ओके इट्स ओके। सो ये हो गया आपका राइट एंड राइट लाइन्स दोनों चीजें हो गई, ठीक है आपका रीड हो गया रीड लाइन्स हो गया फॉर लूप हो गया, फॉर लूप क्या करता है इट विल ऑटोमेटिकली रीड लाइन बाय लाइन, ठीक है फॉर लूप का एग्जांपल अभी हमने देखा था यहाँ पर इट विल रीड लाइन बाय लाइन, इसमें कहीं भी हमने फंक्शन यूज नहीं किया दैट रीड लाइन, ओके सो द फंक्शन इटसेल्फ रीड वन वन लाइन, ओके सो आई का मतलब क्या है कि आई के पास क्या होगी हर एक लाइन होगी, जैसे लूप नेक्स्ट इंक्रीज होगा तो इट विल रीड लाइन बाय लाइन, ओके सो ध्यान रखना है सो व्हेन वी यूज द फॉर लूप इट विल रीड लाइन बाय लाइन, ओके सो ऑलमोस्ट फाइल के जितने भी फंक्शंस हैं कंप्लीट हो गए। अब देर आर टू थिंग्स टू फंक्शंस रिमेनिंग है सीक जी एंड टेल जी, ठीक है सपोज किसी फाइल को एडिट करना है या अपेंड करना है, सो नाउ टुमारो विल सी द अपेंड एंड एडिटिंग ए फाइल, सपोज किसी फाइल को एडिट करना है किसी का नेम चेंज करना है, ओके किसी का रोल नंबर चेंज करना है सो हाउ विल चेंज इट, ठीक है सो अपेंड एंड सिक जी एंड टेल जी ये हम लोग कल देखेंगे, ठीक है तो आप लोग के लिए प्रोग्राम्स क्या क्या हैं so, ये सारे प्रोग्राम्स आप लोग फाइल में मेंटेन करेंगे, ठीक है डेटा फाइल में आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है प्रैक्टिकल फाइल सॉरी ओके प्रैक्टिकल फाइल में ये सारे प्रोग्राम्स आप लोग लिख लेना विद आउटपुट, ठीक है सो प्रैक्टिकल फाइल आप लोग मेंटेन कर रहे हैं।